दस्तर के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हमारे गुलदस्ता में 11वां फूल खिलने जा रहा है और ये 11वां फूल बहुत ही खास है। सारे फूलों की तरह हमारा हर फूल अपने आप में एक अपनी खुशबू लिए है, एक महक लिए है, जो न केवल अपने आप को महकाता है बल्कि पूरे विश्व में इसकी महक फैल जाती है। आज हम चलते हैं महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में अहमदनगर का नाम आपने सुना होगा। अहमदनगर में एक गांव है, हिरवाड़े बाजार। सुना है आपने नाम? हो सकता है ना सुना हो, पर ये गांव इतना ज्यादा फेमस है कि आप जानते हैं इसको आदर्श ग्राम योजना का पुरस्कार मिल चुका है। क्या ऐसी खूबी है इसमें, क्या ऐसी खास बात है इसमें, उसी पे आज हम आपको बताएंगे कि इस गांव में अगर हम बात करें 2010 से आज की स्थिति तो बहुत बदल चुकी है। 2010 में इस गांव में अगर आप सोचें तो आप ये समझ जाइए कि इसमें 294 तो कुएं हैं, वेल्स, और इसमें केवल इस गांव में रहने वाले केवल 12 लोग ऐसे हैं जिनके पास अपनी जमीन नहीं है। बाकी सारे ग्रामवासियों के पास अपनी अपनी जमीन है, अपनी अपनी खेती का साधन है, और सब लोग वहां पर खेती कर रहे हैं। और खेती करने में भी आप सोचिए कि इतनी खेती कर लेते हैं कि ये ज्वार, बाजरा और सब्जियां, प्याज, आलू और ना जाने कितनी चीजें ये अपने खेतों में उगा रहे हैं। इससे न केवल इनका भरण पोषण हो रहा है बल्कि आसपास के गांव में भी इनकी सब्जियां जा रही हैं। इसके अलावा आपको हैरानी होगी, मुझे पता चला कि यहाँ पर पहले शराब के ठेके हुआ करते थे और अब वो सारे ठेके बंद हैं। पता है उसकी जगह वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग गाय पाल रहे हैं। गाय भैंसों को पालकर वो दूध निकाल रहे हैं और दूध की बिक्री हो रही है। दूध भी कितना निकलता होगा सोच सकते हैं आप, 2600 लीटर। ये सब मैं आपको बता रही हूँ तो आप ये सोच रहे होंगे कि भाई अच्छा गांव में हो गया तो ऐसी तो कोई बड़ी बात नहीं है। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल लग रहा होगा आपको। ठीक है भाई, ऐसे कई गांव हैं जहां ऐसा सब होता होगा। अब सुनिए असली कहानी, जो असली मैंने जो ये आपको बताया 2010 का नजारा। अब मैं आपको वापस पिछले समय में ले चलती हूँ, 1972 में। 1972 में यही गांव हिरवाड़े बाजार, जिसके बारे में मैंने आपको अभी कुछ खूबियां गिनाई हैं, अभी तो बहुत सारी बाकी हैं, देखते जाइए वो भी बताएंगे। 1992 में क्या हुआ? 1992 में भयंकर सूखा पड़ा इसी गांव में, हिरवाड़े बाजार की बात हो। इतना सूखा पड़ा कि पानी की कमी, अनाज की कमी, और आपको तो पता है जब इन सब चीजों की कमी होने लगती है तो बीमारियां, ये सारी चीजें आने लगती है। और इन सब से घबराकर यहाँ के गांव वाले पता है कितने लोग चले गए? केवल 10% बचे, 90% तो छोड़ के चले गए। भैया कहीं दूसरे शहर में जाएंगे, मजदूरी करेंगे, यहाँ जो हमारे रह रहे हैं भाई, जो बूढ़े हैं, जो ऐसे हैं जो नहीं जा सकते हैं, उनके लिए पैसा भेजेंगे, कुछ तो होगा, पलायन कर गए। कितनी दुख की बात है, कोई सुविधा नहीं थी इस हिरवाड़े बाजार में, ना कोई सरकारी सुविधा थी, ना कोई अधिकारी थे। स्कूल था, छोटा मोटा सा एक स्कूल था, कक्षा 4 तक। बाकी क्या था यहाँ पर? यहाँ पर थे शराब के ठेके। कितने? 22। शराब बिका करती थी
और शराब पीने से क्या होता है मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, आप मेरे से ज्यादा जानते हैं। केवल लड़ाई झगड़ा मार काट, एक तो भूखा ऊपर से शराब, क्या करेगा इंसान, यही सब कर सकता है ना। बड़ी बुरी गति इतनी खराब थी गांव की कि समझ ही नहीं आता था होगा क्या, ऐसा लगता था भूमि बंजर पड़ी थी, पूरी भूमि बंजर है। केवल 12% जितना पूरा गांव का एरिया था उसमें, सोचिए केवल 12% में थोड़ी बहुत खेती किसकी, बाजरे की। क्या होगा इस गांव का, पर कहते हैं ना कि परमात्मा स्वयं तो नहीं आ सकते, अपने भेजे हुए किसी फरिश्ते को भेजते हैं और लोगों की मदद के लिए, लोगों का दुख दूर करने के लिए कुछ ना कुछ होता है। जी हाँ, ऐसा ही हुआ। और ये कौन फरिश्ता था, इस फरिश्ते का नाम है पोपट राव पवार। अच्छा नाम है ना, पोपट राव पवार। पोपट राव पवार जो थे वो इसी गांव के थे, हिरवारे बाजार के ही थे, और वो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे क्योंकि उन्होंने एमए की पढ़ाई पास की थी, एमए कर चुके थे। गांव के जो बच्चे कुचे लोग थे या जो लोग बाहर चले गए थे कभी जभी जब आते थे, तो उन सब ने सोचा कि भाई पोपट राव आप जो है, पोपट जी आप ही कुछ कर सकते हैं, हम लोग तो कुछ जानते नहीं, ज्यादा हमें पता नहीं है, आपने इतनी पढ़ाई की है, इतना अनुभव है, तो आप सरपंच बन जाइए। पोपट का सपना सरपंच बनने का तो नहीं था, पोपट तो सोचते थे कुछ और काम करूंगा, कुछ और बनूंगा मैं, पर ठीक है अब गांव वाले कह ही रहे हैं तो कैसे मना करें। क्रिकेट के शौकीन पोपट अपने क्रिकेट के सपने को एक तरफ करके उन्होंने कहा ठीक है मैं सरपंच का चुनाव लड़ लेता हूँ। चुनाव क्या लड़ना था, निर्विरोध पोपटराव सरपंच बन गए। क्या अच्छी बात थी, अच्छी बात नहीं थी, ये बहुत बड़ी चुनौती थी पोपट के लिए, इतनी बड़ी चुनौती कि आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा गांव जहां लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा गांव जहां ना पानी है, ना अनाज है, ना दवाई है, ना दुकान है, ना कोई ढंग से स्कूल है, कुछ भी तो नहीं है, ऐसे गांव का सरपंच बनना, और सरपंच भी ऐसा नहीं कि भाई खाया कमाया अपना देखा छोड़ो भाई जो हो रहा होने दो, नहीं, पोपट राव तो कुछ करना चाहते थे, हिरवारे बाजार को बदलना चाहते थे, गांव की स्थिति को सुधारना चाहते थे। और उन्होंने क्या क्या किया मैं तो आपको थोड़े में ही बताऊंगी, पर गागर में सागर की बात है, आप मेरे से ज्यादा समझ जाएंगे कि उन्होंने क्या क्या किया। उन्होंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र को निवेदन किया कि भई आप लोग हमारे ग्राम सभा से जुड़ जाइए, आ जाइए और हमारे गांव के जो लोग हैं उनको लोन दे दीजिए जिससे कि वो कुछ कार्य अपने कर सकें, कुछ अपना धंधा पानी कर सकें। बड़ा काम था। फिर उन्होंने लोगों की ही मदद, लोगों को समझाया सिखाया और बताया कि हम सब जुड़ेंगे मिलके करेंगे, क्या करेंगे, पानी नहीं है, पानी को कैसे बचाएंगे, पानी के लिए हम बंध बनाएंगे, कुएं बनाएंगे, बड़े बड़े पॉन्ड का निर्माण करने के लिए जगह बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, जी हाँ, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं उसमें जो पैसा मिलता है उस पैसे को उन्होंने इस्तेमाल किया और गांव के ही लोगों को इस काम को करने की मजदूरी दी। देखिए दोनों काम हुए ना, एक तो गांव वालों को मजदूरी मिली, दूसरा साथ साथ वो कुएं वो पिट्स वो सब बन गए। और जैसे ही पहली मानसून हुई, आप यकीन नहीं करेंगे, पहली मानसून में ही वो जो पानी था उसको उन्होंने इकट्ठा कर लिया, जगह जगह
जगह जगह पानी इकट्ठा हो गया और स्थिति यह हो गई कि पानी जो 90 फीट नीचे जमीन पे अब उनको मिलना शुरू हुआ और धीरे धीरे वही पानी 15 से 20 फीट की नीचाई पर ही पानी मिलने लगा, क्योंकि पानी को बचा लिया जगह जगह कुएं बांध ये सब बना बना के। देखिए ये है ना कुशलता। और आज की स्थिति जो मैं आपको बता रही थी ये है कि अब वो गांव के लोग अपने ये कुओं का पानी, अपने ये गांव का पानी अपनी खेती सिंचाई में भरपूर इस्तेमाल करते हैं, और अगर पड़ोस के गांव में भी कभी जरूरत होती है तो वहां भी वो लोग पानी दे देते हैं। इसके अलावा और क्या किया उन्होंने? सामूहिक खेती, आप जानते हैं सामूहिक खेती आप जानते ही होंगे, पर ये सामूहिक खेती बड़ा सुंदर रूप जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया इस गांव में। कैसे किया कि भाई मेरे खेत में जब कटाई का मौसम है, बुआई का मौसम है, सिंचाई का मौसम है, तो मेरे खेत में आप लोग आ जाओ, उस समय मेरी मदद कर दो, मेरा खेत हरा फरा हो जाएगा, और जब मेरे खेत में काम खत्म होगा मैं आपके खेत में मदद करूंगा। आपस में मिलजुल के एक दूसरे के खेतों में आपस में मिलजुल के ये सारे गांववासी काम करने लगे। उसमें कितना लाभ हुआ, खेती भी बहुत सुंदर लहलहा के खेती आई। मिलजुल के वैसे भी इतने प्रेम से वो लोग रहते हैं कि जो लोग गांव छोड़ छोड़ के चले गए थे ना इनके, वो वापस आने लगे। क्यों? क्योंकि अब अपना गांव में ही इतना काम मिलने लगा, इतना सब होने लगा। इसके अलावा जो स्कूल था वो स्कूल उन्होंने 10वीं कक्षा तक का बनवा दिया। और एक बहुत मजेदार बात, बहुत अच्छी बात जो हम दिन रात देख रहे हैं कि हमारी सरकार प्रयास कर रही है, शौचालय मुक्त भारत, है ना। शौचालय मींस शौच जो है खुले में ना हो, शौचालय घर घर हो, हर घर में शौचालय हो। शौचालय मुक्त नहीं, शौच मुक्त, मैं गलती से कह गई शौचालय मुक्त, क्योंकि ये गांव शौचालय मुक्त था। हाँ, पोपट ने जो है, पोपट राव जी, उनका नाम मैं जितने सम्मान से लूं उतना कम है, पोपट राव जी ने इस गांव के सारे ग्रामवासियों को इतनी सुंदरता से सिखाया, बताया कि खुले में शौच नहीं और घर घर में, घर घर में शौचालय बन गए। ये सपना जो हमारी सरकार का है, मोदी जी का है, वो सपना इस गांव में उन्होंने पहले से ही पूरा करने का प्रयास किया। इसके अलावा एक और बात जो शायद हम और आप अपने शहरों में भी नहीं करते हैं, इनके गांव में जब विवाह होता है ना, शादी, पता है किस आधार पे विवाह करते हैं? सोचिए, आपके कल्पना से भी परे है ये बात। जी हाँ, दूल्हा और दुल्हन दोनों का एक टेस्ट होता है। किस बात का टेस्ट आप सोच रहे होंगे? HIV टेस्ट। क्यों होता है आप जानते हैं। उस टेस्ट के बाद ही दूल्हा दुल्हन विवाह के बंधन में बंधते हैं, है ना, बहुत बड़ी बात। मुझे लगता है क्या हम कह सकते हैं कि ये गांव है, पोपट जी ने वो कर दिखाया जो अगर आप तो सुन रहे हैं तो आपको ये लग रहा होगा कि ये चमत्कार ही हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही आप महसूस कर रहे हैं। पर सोचिए आप किस स्थिति में था गांव और पोपट जी ने उसको कहां ले जाके खड़ा कर दिया कि उसको पुरस्कृत किया गया है। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट, जानते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये प्लान बना रही है, ये सोच रही है कि महाराष्ट्र के सारे गांव इस गांव को आदर्श मानेंगे, मॉडल मानेंगे, और हर गांव में विकास इस तरीके से होगा। पोपट जी साधारण MA करने वाला एक लड़का जो क्रिकेट के सपने बुनता था, क्रिकेटर बनूंगा,
उसने अपने उस सपने को छोड़कर एक बड़ा सपना लिया, बहुत बड़ा सपना, कि मैं अपने गांव का उत्थान करूंगा, अपने गांव को आगे बढ़ाऊंगा। पोपट जी कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं? उन्होंने इतने बड़े सपने को साकार कर लिया, तो हमारे तो सपने मेरे ख्याल से काफी कम हैं, तो हम तो बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं। लग रहा है ना, ये विश्वास आ रहा है ना आपको? बिल्कुल आ रहा होगा। ये जो कहानी आपने अभी सुनी, ये मेरी पुस्तक अनसंग हीरोज रियल स्टोरीज टू इंस्पायर यू इससे ली गई है। ये पुस्तक अमेज़न पर उपलब्ध है और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये सच्ची कहानी बहुत पसंद आई होगी, तो जल्दी से जल्दी इसको लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिचितों के साथ और जिनको भी आप चाहते हैं उनके साथ शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। और हमारे चैनल गुलदस्ता को आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे कि नए वीडियोस जो भी हम अपलोड करेंगे उनके लिए आपको नोटिफाई करेंगे। धन्यवाद।